बच्चों समझ आ रहा है क्या? निर्मल यस, आप एक बार सभी बच्चे अपने वीडियो को चालू करो। अरे तुम्हारे समझ आ रही है क्या आज की रामायण? यस सर। रामायण चल रही क्या? नो सर। चलो सब समझ आ रहा है सबके? अपने वीडियो को चालू करो एक बार आप। आयुष शर्मा, मधु चौधरी, महेंद्र, कनिका, आप वीडियो को चालू करो। अपने वीडियो को चालू कीजिए। बच्चों मैं दिखाई दे रहा हूं क्या आपको? यस सर। सबको दिखाई आवाज आ रही है? यस सर। आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। आप अपने वीडियो को चालू कीजिए, आपकी फोटो नजर नहीं आ रही है। पिंकी गुजर, नहीं हो रहा क्या चालू वीडियो? ठीक है, ओके बच्चों, अब ध्यान दो। अब देखो अभी मैंने काफी कुछ आपको काफी कुछ एक्सप्लेन किया और समझ में आया होगा। अब हाँ, अपने आवाज को कम करो। आवाज को कम करें। अब ध्यान दीजिए, जो अभी अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी अगर कोई व्यक्ति किसी पदार्थ या किसी वस्तु को, और ड्रग का अर्थ मैंने बता दिया, ड्रग एक प्रकार से वो नशीले पदार्थ है जिनका सेवन व्यक्ति किसी बिना किसी डॉक्टर के सलाह, बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के और अलग तरीके यानी गलत भ्रांति में पढ़कर करता है, तो वही ड्रग है। और यहां तक मैं बोलूंगा, अगर आप लोग किसी व्यक्ति को रात को नींद नहीं आती माना, और वो अगर नींद आने की अगर कोई पिल्स लेता है, तो वो पिल्स भी अपने आप में कौन है? ड्रग है। या अगर कोई व्यक्ति किसी बीमार से ग्रसित है, और बच्चों अगर वो 6 महीने 12 महीने तक अगर किसी दवा को ले रहा लगातार, तो वो दवा भी धीरे धीरे उसके शरीर के लिए क्या बन गई? ड्रग। आदत हो गई ना। तो ड्रग का अर्थ है जैसे कोई व्यक्ति सुबह उठ के चाय पीता है, इट मींस वो उसका क्या हो गया? आदि। कोई व्यक्ति कॉफी पीता है, कोई हुक्का पीता है, कोई बीड़ी पीता है, कोई शराब पीता है, कोई सिगरेट पीता है। समझ आ रहा है? तो कोई भी व्यक्ति अगर किसी पदार्थ को लेने के लिए शारीरिक यानी फिजिकल और मानसिक रूप से क्या हो जाए? आदि हो जाए, और उसकी आदत लग जाए, उसी आदत को ही हम क्या बोलते हैं? व्यसन बोलते हैं। आ, मुझे लगता है तुम्हें समझ आ रहा होगा। अगर कोई व्यक्ति किसी वस्तु को ग्रहण करने के लिए शारीरिक मानसिक रूप से अगर उसको आदत में बना ले, आदि हो जाए, आदि, तो उस स्थिति को हम क्या बोलते हैं? व्यसन कहते हैं या एडिक्शन कहते हैं। समझ आ गया? और आपको इसीलिए मैं कहूंगा कि बच्चों नशीले पदार्थ जो नशा करने वाले व्यक्ति होते हैं, मान लीजिए कोई शराब पीता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? शराबी कहते हैं। नशा करने वाले को हम क्या बोलते हैं? नशेड़ी बोलते हैं। बोलते हैं नशेड़ी, बोलते हैं बच्चों। शराब वाप पीने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं? शराब पीने वाले व्यक्ति को आप क्या बोलते हैं? शराबी। ड्रग लेने वाले को अगर बार हम उसको ड्रगी बोलते हैं, नशेड़ी बोलते हैं, बोलते हैं ना। तो एक्चुअल में हुआ क्या कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी ड्रग का सेवन शारीरिक और मानसिक रूप से करने के लिए, और एक बात और बताओ, कोई भी व्यक्ति किसी पदार्थ का जब सेवन करता है, मैं बार बार इसको समझा पा रहा हूं कि जब भी कोई व्यक्ति किसी भी पदार्थ का सेवन जब करता है, चाहे बीड़ी है या एल्कोहल है, हेरोइन है, चरस है, गांजा है, किसी पदार्थ का सेवन जब वो करता है, तो उसका सेवन करना या ना करना उस व्यक्ति के खुद के ऊपर कंट्रोल करता है। मैं फिर कह रहा हूं, जब कोई व्यक्ति जीवन में जब किसी नशीले पदार्थ को जब पहली बार ग्रहण करता है, तो किसी भी नशीले पदार्थ को ग्रहण करना या ना करना प्रारंभ के अंदर तो किसके कंट्रोल में होता है? उस व्यक्ति के खुद की मानसिकता, खुद के कंट्रोल, खुद के संयम पर। अब आप एक बार मुझे बता, जैसे कि माना जा रहा कि आप लोग हैं, आप अभी 15-16 साल के हैं, 16-17 साल की एज में कई बार आप लोगों ने किसी व्यक्ति को शराब बीड़ी चरस पीते हुए देखा होगा, उनके पीकर देखने के बावजूद भी आपने अब तक अगर उनका सेवन नहीं करते हुए या नहीं किया, इसका अर्थ क्या है कि आप लोगों पर उस पदार्थ को ग्रहण करने को लेकर क्या है? एक प्रकार से क्या? संयम है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी नशीले पदार्थ को सेवन करना जब शुरू करता है,
करने लगता है तो अब वो नशीला पदार्थ उस व्यक्ति के पूरे शरीर पर क्या कर लेगा, कंट्रोल कर लेगा। वो व्यक्ति अब चाहकर भी, अब वो व्यक्ति अगर चाहता है कि मैं उस नशीले पदार्थ का सेवन ना करूं, तब भी वो उस वस्तु का सेवन सेवन के बगैर नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति किसी नशीले पदार्थ का सेवन करना प्रारंभ करता है धीरे 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 धीरे, तो उसकी मात्रा बढ़ाता है और मात्रा बढ़ाने के साथ साथ वो उसका आदि हो जाता है, और आदि होने के साथ अब वो व्यक्ति चाहकर भी उस नशीले पदार्थ को सेवन करना बंद नहीं कर सकता, क्योंकि उस व्यक्ति का शरीर मानसिक शारीरिक तंत्रिका के रूप में अंतस्त्र तंत्र के रूप में उसके शरीर के जितने भी तंत्र हैं, खास तौर पर तंत्रिका का उसका ब्रेन, उसका मेरुरज्जु, उसकी नर्व जितने भी है, वो पूरा का पूरा उस नशीले पदार्थ के ऊपर कंट्रोल हो गया। मैं एक बार आपको उदाहरण दे समझा रहा हूं, सुनना एक बार। एक व्यक्ति जो मैंने बता दिया, जो दिन में दो बार शराब पीता है या शाम को शराब पीता है, शाम को रोजाना उसकी आदत है कि एक पैग पीता है या एक जो भी उसकी कंडीशन है, अगर रोजाना शराब पीता है शाम को 7 बजे खाना खाने के पहले या खाना खाने के बाद, यानी उसकी वो आदत है, सुनना। अब बच्चों जैसे ही रोजाना 7 बजेंगे तो 7 बजने के या 7 बजने के 5-10 मिनट पहले ही उसको ऑटोमेटिकली एक रिलैक्स होने लगेगा, उसके बॉडी में बेचैनी आना, पसीने आना, कपकपी होना, अंदर से उसको फील आएगा, उसका ब्रेन उसको बार बार अलाउड करेगा कि शराब पीने का समय हो गया। तो वो व्यक्ति ना चाहकर भी अपने आदत के अनुसार उस शराब को पिएगा, तो ऐसे में वो व्यक्ति उस शराब का क्या हो चुका, आदि हो गया। तो कई व्यक्ति बीड़ी पीने का आदि होते हैं, कई बार देखो मजदूर को देखा होगा, आपके घर में देखा होगा, कई व्यक्ति होते हैं जो सुबह दोपहर शाम जब भी वो बीड़ी पीते हैं तो उनकी क्या लग चुकी है, आदत लग चुकी है। अगर किसी शराब पीने वाले व्यक्ति को शाम को शराब पीता रोजाना, अगर किसी दिन किसी वजह से वो व्यक्ति कहीं चला गया बाहर और बाहर 7 बजे के आसपास उसे आसपास में कोई शराब की व्यवस्था नहीं मिल रही है, सुनना ही पड़ेगा से, तो उस व्यक्ति के शरीर में कई प्रकार के लक्षण दिखाई, असामान्य लक्षण दिखाई देंगे जिन्हें बोलते सिंड्रोम। अब बोलो से कौन से, मैंने बता दिया सिंड्रोम होता है असामान्य लक्षण, यानी उस व्यक्ति में शराब की अगर उसको नहीं मिलती है किसी कारण से किसी दिन, तो उस व्यक्ति में कई प्रकार के असामान्य लक्षण प्रकट होंगे, जैसे बेचैनी होना, कपकपी होना, पसीना आना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, बीपी बढ़ जाना या हार्ट बीट का बढ़ जाना, समझ आ रही। ये सभी लक्षण, ये सभी संकेत क्या है, ये सभी लक्षण कहते हैं बच्चों विड्रोल सिंड्रोम। ये कल पढ़ाऊंगा विड्रोल सिंड्रोम करते हैं कि किसी नशीले पदार्थ का आदि वाले व्यक्ति से यदि नशीले पदार्थ नहीं मिलता है तो नशीले पदार्थ के अभाव में होने वाले असामान्य लक्षणों को हम क्या कहते हैं, विड्रोल यानी विनिवर्तन संलक्षण कहते हैं। ये मेरी बात आप समझ नहीं पा रहे हैं, इसको समझाना पहले आपको एक चीज समझे, व्यसन क्या चीज है। जब कोई व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से किसी पदार्थ को लेने के लिए जब आदि हो जाता है, एडिक्टेड हो जाता है, दैट्स मटेरियल कॉल्ड व्यसन या एडिक्शन, समझ आ गया, यानी एडिक्शन हो, एडिक्ट हो गया। अब वो अब देखा होगा, अब मैं आपको बोलूंगा कि क्या हमें एडिक्ट होना, बच्चों क्या हमें भी किसी, हमें भी नशा करना चाहिए क्या, हमें भी नशा करना चाहिए क्या लाइफ के अंदर। मधु चौधरी आर यू लिसनिंग मी, मधु? यस सर। क्या हमें भी नशा करना चाहिए क्या? नो सर। नहीं करना चाहिए, वी ऑट टू ड्रग या वी ऑट टू, हमें करना चाहिए पढ़ाई का मरता है भी किसी छोड़ जो करना चाहिए ना नशा, लेकिन जो पढ़ाई का भी। आप सुनो मैं समझा, तो नशा किसका करना चाहिए, जो नशा भी क्या बोला आप लोगों ने, जब कोई व्यक्ति किसी पदार्थ या किसी आदत को लेकर अगर आदि हो जाए तो नशा, तो वो बच्चों हमें भी एडिक्शन होना चाहिए, लेकिन किसका, अच्छी आदतों का, हमें भी नशा करना चाहिए अच्छी आदतों का, सुबह जल्दी उठने का, एक्सरसाइज का, योगा करने का, अपने रेगुलर पढ़ाई करने का, तो हमें भी अच्छी आदतों का आदत बनानी चाहिए, समझ आ गया ना। इसीलिए हमें अच्छी आदतों को लेकर, अच्छी आदतों को भी हमें हमारे जीवन में क्या करना चाहिए, अपनाना चाहिए। तो हमें भी कभी नशा करने वाले व्यक्तियों से भी लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। हालांकि मैं जानता हूं कि नशीले पदार्थ या नशा करने वाले व्यक्ति समाज के लिए घातक होते हैं,
चाहे वो हमारे परिवार में हो, चाहे हमारे पड़ोस में हो, चाहे हमारे समाज में। लेकिन नशा करने वाले व्यक्तियों की एक आदत हमें भी जीवन में अपनानी चाहिए कि नशा करने वाला व्यक्ति अपने पदार्थ या अपने द्वारा किए जाने वाले नशीले पदार्थ के सेवन को लेकर कोई पंचुल होता है। वो चाहकर भी अपने नशीले पदार्थ को के समय को विड्रॉल या समय को अवॉइड नहीं कर सकता। तो इसका अर्थ है कि उसके शरीर में उसको लेने के लिए क्या हो जाती है, बेचैनी। तो वैसे ही आप लोग बच्चों को भी, बच्चों आपके जीवन को लेकर कुछ ऐसी आदतें बनानी चाहिए और वो आदत आपके जीवन में ऐसे अपना लो जो अगर किसी दिन किसी कारण से वो आदत आप नहीं बना पाए तो आपके शरीर में क्या होनी चाहिए, बेचैनी होनी चाहिए। और वो आदत कौन सी होनी चाहिए, सच बोलने की, रेगुलरिटी, पंचुअलिटी, योगा, एक्सरसाइज, प्रॉपर टाइम से खाना खाना, टाइम मैनेजमेंट बनाना, स्टडी करना, घर में हेल्प करना, अपने जीव अपने लाइफ का जो टाइम है उसको एक डिवाइड करना। तो अगर हमें भी, इसलिए मैंने कहा कि हमें भी नशा करना चाहिए, तो मैं नशा करने के लिए कौन सी के लिए करूं, अच्छी क्रियाओं के लिए, अच्छी आदतों का नशा करो। ठीक है बच्चों, तो आज तो मैं इतना बता पाऊंगा। अब एक बार जल्दी खत्म करो, नशीले पदार्थों को प्रमुख हम लोग तीन प्रकार से डिवाइड करते हैं और वो नशीले पदार्थ जो ड्रग्स है मेनली तीन असर। मैंने काफी लंबा लेक्चर दिया, समझ आ रहा होगा। ओपिओइड्स, ओपिओइड्स हैं, कैनाबिनोइड्स, कैनाबिनोइड्स और कोका एल्डिहाइड। कोका एल्डिहाइड्स, ठीक है, ओपिओइड्स, कैनाबिनोइड्स और कोका भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट कोका भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोका एल्डिहाइड्स या कोका यू कह सकते हैं, कोका एल्डिहाइड। तो जनरली ये तीन प्रकार के ओपिओइड्स, ओपिओइड्स में बच्चों नाम आता है अफीम का नाम आता है, ओपियम का आता है, ओपियम का नाम सुनोगा अफीम, अफीम। कैनाबिनोइड्स की बात हम करते हैं, इसकी बात हम करते हैं, कैनाबिनोइड्स में आता है बच्चों भांग, कैनाबिस सैटिवम, और कोका यानी कोका प्लांट्स। यानी कुल मिलाकर जो अफीम की बात हम कर रहे हैं, अफीम है, अफीम की बात हम कर सकते हैं, अश्वगंधा है। तो ये तीन प्रकार के प्रमुख जनरली ड्रग्स हैं। और ये ड्रग मैं बार बार आपको कह रहा हूं, ड्रग का अर्थ ही दूसरा औषधि भी है। हिंदी में ड्रग को आप औषधि भी कहते बच्चों, लेकिन यही औषधि ड्रग कब बन जाती है शरीर के लिए, जब हम उस औषधि का सेवन बिना किसी डॉक्टर की सलाह, बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के और अनलिमिटेड टाइम और अनलिमिटेड अमाउंट में करते हैं, तो वो कंडीशंस, वो पदार्थ हमारे लिए बन जाएगा ड्रग और हम हो जाएंगे ड्रग, और हम धीरे धीरे उस पदार्थ को लेकर क्या हो जाएंगे बच्चों, एडिक्शन हो जाएंगे, एडिक्ट हो जाएंगे। और मैं बार बार आपको कह रहा हूं, आप मेरी बात समझने प्रयास नहीं कर रहे हैं, कि यदि मैं अगर कॉफी पीता हूं, सुन लीजिए, तो मैं कॉफी, और कॉफी की बात हम करें, कॉफी और कैनाबिक सैटिवम से प्राप्त होती है तो मालूम होगा, सॉरी कॉफी अरेबिका, कॉफिया अरेबिका और चाय कैमेलिया साइनेंसिस, ये दो अलग। तो चाय तो मालूम होता है, चाय तो प्राप्त होती है चाय के झाड़ी की पत्तियों से, तो जानते हो आप लोग। कैमेलिया साइनेंसिस, कैमेलिया साइनेंसिस के किस भाग से चाय बनाते हो बच्चों, पत्ती, लीफ, ओके। और कॉफी किसे बनाते हो, कॉफिया अरेबिका, कॉफिया अरेबिका पादप के बीज से, ये ध्यान देना, बीज किसे बनाते हैं, हवा नहीं बच्चों। तो मैंने आपको, अगर मैं सर आई हैव टेकन या आई हैव टेक, या मैं बोलूं कि आई टेक्स रेगुलर कॉफी, ओके, तो मैं उस कॉफी का क्या हो गया, एडिक्ट हो गया। एक कुल मिलाकर अगर बात करूं तो मैं भी उसका एक कहीं ना कहीं क्या हो गया, एडिक्ट हो गया। तो इसका अर्थ हो गया कि अगर हम किसी पदार्थ को सेवन करते हैं और उसका सेवन करने से, और सेवन क्यों करते हैं क्या सोचकर, आनंद के लिए, ड्रग का सेवन क्यों करते हैं व्यक्ति, मैं बार बार कह रहा हूं, किसी को देखकर, गलत भ्रांतियों में पढ़कर,
पैसा कमाने के लालच में, क्योंकि कई बच्चे सोच के व्यक्ति सोचते हैं कि अगर मैं अल्कोहल पीऊंगा या मैं नशा करूंगा या मैं स्मोकिंग करूंगा तो मेरे जीवन में आने वाले तमाम तनाव जो दुख है वो दूर हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा हमने फिल्मों में देखा। फिल्म में 3 घंटे के सीरियल में, बच्चों 3 घंटे के फिल्म में या 2 घंटे में आपने देखा होगा कि डायरेक्टर पूरी फिल्म के अंदर कितना दिखा देता है, लेकिन क्या आपकी लाइफ 2 घंटे की है क्या? इसको समझे आप, वो तो बच्चों रील थी। कि एक फिल्म के अंदर देखा होगा कि एक बच्चा जिसके माता पिता को कोई विलेन मार, अक्सर ये स्टोरी होती है, और विलेन मार देते हैं और वो बच्चे की आंखों में विलेन की फोटो छप जाती है कोई भी, वो बच्चा बड़ा होता है और बच्चा कसम खाता है कि मैं आपकी कसम खाता हूं मैं उसे बदला लूंगा, और दो थोड़ी देर बाद में वो व्यक्ति बड़ा होता है उसे इंस्पेक्टर दिखा देते हैं, दिखाते ना, या फिर उस बच्चे को डॉन दिखा देते हैं, तो वो तो क्या रियल में थोड़ी बन गया? तो हम लोग क्या लगता है कि वो बच्चा, जब माना जा रहा कि जब छोटा बच्चा अपराध में पढ़कर किसी अपराधी के शरण में जाता है और वही बड़ा डॉन बन जाता है, तो हम उसको रियल मान बैठते हैं। तो हम भी क्या सोचते हैं कि अगर मैं भी ड्रग लूंगा या मैं चरस या आजाद सेवन करूंगा तो मैं भी एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल, बहुत बड़ा पैसर बन जाऊंगा। लेकिन ऐसा, ये फालतू बकवास। क्यों मैं बार बार कह रहा हूं, देर इज नो शॉर्टकट ऑफ एनी सक्सेस। किसी भी सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है भाई, ये ध्यान दें, सफलता का एक ही शॉर्टकट है, रेगुलर हार्ड वर्क, और अपने गोल पर, अपने विजन पर फोकस रखना, प्लेजर रखना, और हमेशा अपने बिहेव को नॉर्मल और कूल रखते हुए चलना, यही सबसे बड़ी चीज है अगर बात हम कर सकते। क्योंकि सफलता और असफलता जीवन के दो आपका आयाम है, तो मैं बोलूंगा कि सफल होने के लिए व्यक्ति को बहुत ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं मेहनत करने की आवश्यकता है, संयम रखने की आवश्यकता है, रेगुलर हार्ड वर्क करने की आवश्यकता है, तभी जाकर सफलता मिलती है। और ये देखा होगा कई व्यक्ति, उदाहरण आपके सामने, आपके जीवन पड़ोस में देखा होगा कि कई व्यक्ति आपके परिवार के अंदर हैं जिनके 10 साल में पूरा परिवार बदल गया। कैसे? क्योंकि उस परिवार के अंदर कोई ना कोई लड़के या लड़कियां पढ़ लिख कर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, और आज उनके परिवार की कंडीशन चेंज हो गई। तो उन्होंने कोई शॉर्टकट नहीं बनाया, मेहनत की लगातार। तो हम किसी सफल व्यक्ति को जब देखते हैं तो हम उसकी सफल व्यक्ति को देखते हैं, लेकिन उसके पीछे के संघर्ष को नहीं देखते हैं कि उस आदमी का संघर्ष कितना है, उसने शुरुआत कहां से की। तो हर व्यक्ति का जब संघर्ष आप देखने लग जाओगे तो बच्चों आप भी संघर्ष की परिभाषा और संघर्ष का महत्व समझ जाएंगे। लेकिन ज्यादातर कुछ बच्चे क्या देखते हैं, वो किसी व्यक्ति को देखते हैं, उसके संघर्ष को नहीं देखते, और वो उसकी तरह बनना चाहते हैं, और उसकी तरह बनना करने के चक्कर में वो गलत रास्ते और गलत हरकतें गलत व्यक्तियों के हाथ में पड़ जाते हैं, और वो शीघ्र ही अपराध या अपराधी बन जाते हैं। तो ड्रग करने वाला है, सेवन करने वाला व्यक्ति 100% अगर जो ड्रग करता है, अगर जो बच्चा, ध्यान दे, जो बच्चा किशोर अवस्था ड्रग का आदि है, वो बच्चा आगे जाकर अपराधी बनेगा, चोर बनेगा, चेन लूटेगा, गाड़ी चोरी करेगा। और आप देखोगे ज्यादातर जितनी भी चेन स्नेचिंग का जो केस आता है, चोरी का मामला आता है, उसमें ज्यादातर 18 से 30 साल के व्यक्ति ही मिलते हैं जिनमें कोई आदतन अपराधी नहीं होता। वो किसी को देख कर पाकर सीख जाते हैं, कोई 5 गैंग बनाकर गाड़ियां लूटते हैं, कोई मोबाइल लूटता है, कोई चेन लूटता है, कोई घर में डाका डालता है, कोई ATM लूटता है, कोई किसी को मर्डर करता है। तो ये ड्रग उस अपराधी बनने के पहले सीढ़ी है। तो मैंने इसको समझाने का प्रयास किया और कल हम समझेंगे। अब बच्चों अपना वीडियो को, आप वीडियो ऑन क्यों नहीं कर रहे हैं? आप वीडियो ऑन कीजिए ताकि मैं आपसे बात कर सकूं। समझ में आएगा अनुज का थोड़ा बहुत आज, या सिर दुख रहा है? आज तो सिर दुख रहा है ना आपका? देखो बेटा, मैंने कहा था कि टॉपिक ही थोड़ा एक्सप्लेन करने का है, ठीक है? अब इसमें थोड़ा सा आपको देखो क्वेश्चन के आधार पर हम इस चैप्टर को पूरा करेंगे। आज का क्यों इतना सुनो, ड्रग क्या है, व्यसन क्या है, विड्रोल सिंड्रोम क्या है, नशीले पदार्थ को सेवन करने के प्रमुख कारण। और मैंने बार बार कहा कि कोई भी व्यक्ति नशीले पदार्थों का सेवन करना कौन सी एज में ज्यादा प्रारंभ करते हैं, किशोर एज। अगर कोई व्यक्ति, मैं अगर अल्कोहल पी रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं, तो बच्चों अल्कोहल पीने की लत मुझे किशोर अवस्था में लगेगी, चांसेस। मैं पीता नहीं हूं, अरे मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, कहीं आप मेरे बारे में लगा ना, एग्जाम्पल दे रहा हूं कि ज्यादातर कौन सी एज है जिसमें लड़के लड़कियां गलत वे में जा सकते हैं। तो वो कौन सी एज है बच्चों? टीनेज। और टीनेज ही वो फेज है जिसमें व्यक्ति, बच्चा अपने जीवन के लिए
अपना लक्ष्य निर्धारित करता है। अब आपके सामने दो रास्ते हैं, एक रास्ता तो कौन सा बच्चों, एक रास्ता तो शॉर्टकट है और एक रास्ता संघर्ष का। तो शॉर्टकट रास्ता शुरू में आपको अच्छा लगता है, लगता है ना, जब कोई व्यक्ति पहली बार जब ड्रग लेता है या सिगरेट पीता है तो पहली बार सिगरेट पीने में उसको ऐसा लगता है जैसे जन्नत मिल गई, है ना। या पहली बार जब वो चोरी करता है तो पहली बार चोरी करना शुरुआत कहां से करता है, घर से। कितने चोरी करेगा, 10 रुपए, और 10 रुपए का पता लगता नहीं पापा मम्मी को तो फिर वो शुरू करे, फिर कितना चुराएगा, 50। क्यों चुरा रहा है, सिगरेट पीने के लिए, अपने दोस्तों को पार्टी करवाने के लिए। फिर 50 का भी पता नहीं लगा मम्मी को तो अब वो चुराएगा 100, और 100 का भी पता नहीं लगा पापा को तो फिर वो चुराएगा 500। तो धीरे 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 बच्चों उसकी क्या पड़ रही है, आदत। और अब वो चोरी करेगा 5000, 10000, और आप जानते हैं 10000 रुपए घर से चोरी हो जाए तो पता लग जाता है। तो बच्चे की आदत एक बार में बिगड़ी है धीरे 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 धीरे, अब तो आ गए ना। और वो पैसे क्यों चोरी कर रहा है, क्योंकि उसको किसी ना किसी गलत आदत का आदत लग गई, मोबाइल की, कोई भी चीज मान लीजिए गलत चीज की, अच्छे कपड़े पहने। तो ये चीज तो मतलब अपने पेरेंट्स को बोलिए, आप अपने पेरेंट्स को बोलिए वो आपको अच्छे अच्छे कपड़े दिला देंगे, लेकिन गलत तरीका नहीं अपनाए, क्योंकि गलत तरीका प्रारंभ में क्या लगता है, अच्छा लगता है, और उसमें चलने में आपको आसानी होती, क्योंकि कोई भी उसमें किसी प्रकार का कोई भी खतरा नहीं है, शुरू में नहीं है, शुरू में नहीं है। लेकिन वो गलत रास्ता आगे जाकर कहां बंद होता है बच्चों, डेड एंड, क्योंकि गलत रास्ते का आगे कोई मार्ग ही नहीं है, आगे रास्ता क्या मिलेगा, बंद। क्या मिलेगा, बंद, उसके आगे रास्ता ही नहीं, डेड एंड। और जिस रास्ते पर आप चलते हैं, आपके माता पिता आपको चलाने के लिए कहते हैं, हम कहते हैं, वो रास्ता प्रारंभ में कैसा लगेगा, कठिन लगेगा, आपको थोड़ा जोर आएगा, आपको तकलीफ होगी, क्योंकि आज आप जानते हो जीवन में पढ़ाई आप जो करते हैं, पढ़ना जीवन का सबसे हार्ड वर्क है, सबसे बोरियत है, क्योंकि आप ही पक जाते हो तो पढ़ना बोरियत लगता है। लेकिन अगर कोई बच्चा जीवन में अच्छी पढ़ाई करता है, अच्छे नंबर लाता है, तो वो गारंटी है, वो उस चीज का एक गारंटी हो जाती है कि ये लड़का ये लड़की एक दिन अपने जीवन में अच्छे मुकाम पर पहुंचेंगे, और वो पहुंचते हैं, ठीक है। तो प्रारंभ में थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट हो सकता है बच्चों, लेकिन आगे वो रास्ता बहुत ही आसान नजर आता है। तो हमें हमेशा गलत रास्ते को नहीं अपनाना चाहिए, शॉर्टकट नहीं अपनाएं, प्रॉपर वे को चुने। और प्रॉपर वे कहता है कि कोई भी काम प्रॉपर तरीके, क्या आप एक साल का खाना एक दिन में खा सकते हो क्या मोनिका, क्या एक साल की पढ़ाई एक दिन में कर सकते हो क्या, नहीं। क्या पूरे साल की पढ़ाई एक महीने में कर सकते हो क्या, नहीं। तो फिर तो उसके लिए क्या होता है, रेगुलर, हमें रेगुलर, यू कैन से वी शुड गिव रेगुलर 4 to 5 आवर स्टडी रेगुलर आप दीजिए। तो मैंने ड्रग को लेकर समझाने का इतना बड़ा इसलिए बताया ताकि तुम्हारे समझ आ जाए कि ये ड्रग एक्चुअल में, व्यक्ति अगर कोई बच्चा ड्रग लेने की शुरुआत करता है तो ड्रग से उसका शरीर तो खराब हो गई, कौन कौन शरीर के भाग, उसका नर्वस सिस्टम, सोचने समझने की बोलने की, उसकी याददाश्त, लीवर किडनी हार्ट पैंक्रियाज, बॉडी के अंग धीरे 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 क्या हो जाएंगे बच्चों, खराब हो जाएंगे। इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल बता रहा हूं, जीता जागता एग्जाम्पल बता रहा हूं। ये जो बड़े बड़े बॉडी बिल्डर होते हैं, बॉडी बिल्डर देखे होंगे आपने WWF में, ये बच्चों खतरनाक डाइट लेते हैं, खतरनाक डाइट करते हैं, 24 घंटे में से ये 15 घंटे यानी लगभग 12-13 घंटे खाते हैं, 12-13 घंटे खाते हैं। आप जितना एक महीने में खाते हो ना, एक महीने में उतना वो एक दिन में खाते हैं। अब सोचिए इतना ज्यादा खाते हैं तो उसको पचाने के लिए क्या चाहिए, स्टेरॉइड दवाइयां जो उनके अंदर उसको उनको दर्द सहने की शक्ति बढ़ाती है। तो ज्यादातर व्यक्ति ड्रग को क्यों लेता है, बताना मैंने आपको, आनंद, दर्द से मुक्ति के लिए, तनाव से मुक्ति के लिए। लेकिन वो उसकी एक गलत भ्रांति, जबकि ऐसा होता नहीं है, वो उसको केवल फील होता है, जबकि रियल में ऐसा कोई ड्रग नहीं है जिसको लेने से हमें आनंद मिले। आनंद मिलेगा, स्फूर्ति मिलेगी,
लेकिन आप धीरे धीरे उसके आदि हो जाएंगे तो आपके शरीर की जो नेचुरल ताकत है वो खत्म हो जाएगी। तो ये बॉडी बिल्डर जब रिटायरमेंट होते हैं 40 साल के बाद तो रिटायर होंगे क्योंकि इतने शरीर ताकत बचती नहीं है, तो बच्चों उनकी बॉडी खतरनाक तरीके से खराब हो जाती है, वो ज्यादा ज्यादा 50 से 60 साल से ज्यादा जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में जो स्टेरॉइड लिए उन स्टेरॉइड से उनकी पूरी बॉडी खराब हो जाती है। अब तो समझ आ गया होगा, आ गया? तो अपने जीवन के कुछ दिनों को आकर्षण करने के लिए हमें गलत पदार्थ का सेवन कभी नहीं करोगे, और एक बात प्रॉमिस करो, कभी भी आप कोई भी खाने की चीज ऑनलाइन नहीं खरीदोगे। ये प्रॉमिस करो कि खाने की कोई भी एडेबल चीज, खाने की कोई भी चीज, प्रोटीन शेक है, प्रोटीन का डिब्बा है, या कोई भी चीज, आप कपड़े ऑनलाइन ले लो, जूते खा लो, जूते खूब खाओ, लेकिन खाने की चीज मार्केट से ही खरीदें, ऑनलाइन नहीं खरीदेंगे, और किसी गलत एड में नहीं पड़ेंगे। गलत एड आते हैं ना, गलत एड देखते होंगे आप लोग कि ये इसको खाने पतला हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, आप लंबे हो जाएंगे, आप बोने हो जाएंगे, आप गोरे हो जाएंगे। ऐसा कोई प्रोडक्ट ही नहीं है, ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है बच्चों जो हमारे त्वचा को नेचुरल तरीके से गोरा कर दे। अगर गोरा कर सकता है तो चलो भैंस को करो गोरा, उस कंपनी को बोलो कि हमारी भैंस को आप फेयर एंड लवली लगाकर गाय की तरह गोरा कर दो, अगर आपकी भैंस गोरी हो जाए तो हम सब यूज करेंगे। चलो वो तो ठीक है, लेकिन खाने की चीज कभी भी मार्केट से कोई भी ऑनलाइन नहीं खरीदोगे, अच्छी जगह से परचेस करोगे। ठीक है, थैंक यू बच्चों, आज का मैंने टॉपिक लिया, कल बात करते हैं। और ड्रग तीन प्रकार के होते हैं, कल आप काम करोगे तीनों ड्रगों के प्रकार और उदाहरण करके साथ बैठे, ताकि मैं आपको जल्दी समझा दूं। ठीक है, थैंक यू सर। ओके बच्चों, गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून सर।